आपका बीता हुआ कल भले ही परेशानियों से भरा हुआ हो, लेकिन आपका आने वाला कल आपके हाथों में है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए बेहद खास है। न्याय के देवता शनिदेव काफ़ी समय के बाद वक्री से अब मार्गी होने वाले हैं 23 अक्टूबर 2022 में, बहुत समय के बाद। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी था कि शनिदेव मार्गी कब होंगे और होंगे तो क्या आपके जीवन में प्रभाव लेकर आएंगे, क्योंकि तुला राशि के लिए शनिदेव योग कारक ग्रह माने जाते हैं और अभी शनि की ढैया भी चल रही है और शनिदेव वक्री भी हो गए थे। अब लेकिन मार्गी होने वाले हैं तो क्या परिवर्तन तुला राशि के जीवन में आएंगे, इसी विषय पर बहुत बारीकी से आज हम चर्चा करेंगे। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों आपकी जन्म की राशि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि वक्री और मार्गी क्या है। अब शनिदेव मार्गी होने वाले हैं तो उसका मतलब क्या है? दोस्तों वक्री का मतलब होता है कि अपनी सही गति के अनुसार गोचर ना करना, और मार्गी का मतलब होता है कि अपनी सही गति के अनुसार गोचर करना। सारे ग्रह सूर्य देव की परिक्रमा करते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। ये कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है। और दोस्तों जो नीचे आपको वीडियो पे कमेंट करते हैं स्कैमर कि इस नंबर पे कॉल करें चैनल की फोटो लगा के, वो सारे स्कैम होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको मुझसे कंसल्ट लेना है तो चैनल के और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप ले सकते हैं। चलिए अब करते हैं शुरुआत। शनि मार्गी तुला राशि के जीवन में क्या प्रभाव अब लेकर आने वाले हैं। 23 अक्टूबर 2022 में आपके फोर्थ हाउस में, तुला राशि से फोर्थ हाउस में शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और अपने ही घर में मकर राशि में शनिदेव की ढैया भी चल रही है 17 जनवरी 2023 तक। और मार्गी शनि की दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ेगी, आपके 10th हाउस में पड़ेगी और आपके 1st हाउस में पड़ेगी। सबसे पहले तो जो शनिदेव वक्री थे और जिनकी माता बहुत ज़्यादा परेशान थी, माता को लेकर चिंता थी या माता को लेकर आपको चिंता थी, आपके विवाह को लेकर चिंता थी, आपके पढ़ाई को लेकर चिंता थी, आपके करियर को लेकर चिंता थी, तो वो चिंता यहाँ पर समाप्त होगी। वो क्यों, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो फोर्थ हाउस होता है कुंडली का वो होता है माता का। फोर्थ हाउस जो जन्म कुंडली का होता है वो होता है वाहन का, सुख सुविधाओं का होता है। तो फोर्थ हाउस में शनिदेव वक्री थे। मैं सारी चीज़ बताऊँगा आपको। जो व्यक्ति माता को लेकर परेशान थे उनके लिए भी अब ये सही टाइम पीरियड आ रहा है। जो व्यक्ति अपने वाहन को लेकर, अपने मशीन को लेकर परेशान थे, तो उनके लिए भी अब ये सही टाइम पीरियड आएगा जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का भी होता है, जमीन का होता है फोर्थ हाउस। तो जो व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या फिर वो प्रॉपर्टी सेल परचेस करना चाहते थे लेकिन उनका नहीं हो पा रहा था, या फिर जिनके प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहे थे बहुत ज़्यादा ही, वो भी अब शनिदेव के मार्गी हो जाने से बाहर जरूर निकलेंगे। और जैसे मैंने कहा फोर्थ हाउस होता है वाहन का, तो 23 अक्टूबर के बाद अगर आप वाहन खरीदते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर खरीदना चाहते हैं तो 23 अक्टूबर तक रुक जाइए, उसके बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ में अब मार्गी शनि की दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ेगी, और छठा घर किस चीज़ का होता है? ऋण, रोग, शत्रुओं का। तो वक्री शनि जब छठे घर में आपको दृष्टि डाल रहे थे तो ना चाहकर भी, आप नहीं चाहते थे, आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, आप सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रोकने वाले बहुत हैं आपको, टोकने वाले बहुत हैं आपको, नाम खराब करने वाले बहुत थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि जहां पर मैं काम करता हूं अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, कहीं पर भी, वहां पर पीठ पीछे बुराई करने वाले बहुत थे। वो भी कहीं ना कहीं दूर होंगे या उन सब चीजों से भी आप बाहर निकलते हुए देखे जाएंगे। लेकिन अभी भी मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई भी आप लोन लेना चाहते हैं तो सोच समझ के डिसीजन आपका सही होना चाहिए और अपनी कुंडली का पहले परामर्श करवा लीजिए, क्योंकि शनि की ढैया अभी भी चल रही है। हालांकि सस राजयोग भी है लेकिन शनि की ढैया भी है, तो दोनों ही फल मिलेंगे आपको, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और शनिदेव की दृष्टि आपके दशम भाव पर भी है और फर्स्ट हाउस में। दशम भाव होता है करियर का, कर्म क्षेत्र का, और फर्स्ट हाउस होता है हमारा नेचर, हम खुद, हमारा व्यवहार फर्स्ट हाउस से। तो शनिदेव की दृष्टि जब आपके चंद्रमा पे पड़ेगी, पहले क्या हो रहा था, वक्र शनि, यानी कि गलत चीज़ों पे आप जा रहे थे या फिर आपके गलत चीज़ों पे पैसे खर्च हो रहे थे या बेफिजूल के पैसे खर्च हो रहे थे, बेफिजूल की यात्राएं आपकी हो रही थी या फिर आपके मन में तरह तरह की चीज़ें चल रही थी, फंस चुके थे, बहुत पजल हो चुके थे आप अपने माइंड से, या फिर जिन व्यक्तियों को माइग्रेन, डिप्रेशन, हेडेक बहुत ज़्यादा था, वो भी अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन अभी भी चंद्रमा पे दृष्टि तो पड़ेगी ही, ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बच कर रहे हैं,
हाँ, पहले के अपेक्षा आप वहां से बाहर निकलेंगे, लेकिन अभी भी ओवरथिंकिंग से आपको थोड़ा सा बचकर रहना ही होगा। और 10th हाउस में शनिदेव की दृष्टि है, मार्गी शनि की, यानी कि जो बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, बहुत डिले हो रहा था, या जिनकी न्यू ज्वाइनिंग थी, जो फ्रेशर थे अपनी कंपनी में, अपनी नौकरी में, और वो अपने काम को नहीं समझ पा रहे थे, अपने करियर में असंतुष्ट थे, बहुत ज़्यादा उनको अनसेटिस्फैक्शन हो रही थी, अब शनिदेव के मार्गी हो जाने से निश्चित आपको अच्छा फल मिलेगा। कैसे लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।